हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूजीलैंड। अनिल, कैसे हैं आप लोग? और आज का दिन हमारा मतलब बहुत बेकार सा हुआ है। रोनल सुबह में मतलब रोते हुए उठा है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसके कान में दर्द है। तो आज वो स्कूल भी नहीं गया, अभी अंदर रेस्ट कर रहा है। और मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि कल हम लोग घूमने जाने की बात कर रहे थे, आज रोनल को हम लोग ये बोल भी रहे हैं कि मतलब तुम्हें घूमने जाने का मन था, नहीं गए तो तुम बीमार हो गए, अब ऐसे डॉक्टर के पास घूमने जाना है। मतलब अब उसको हल्के फीवर भी ऐसा फील हो रहा है कि फीवर जैसा भी लग रहा है। तो अभी शाम को जाएंगे हम लोग डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। आज भी स्कूल तो जा नहीं पाया, रेस्ट कर रहा है अभी। गाइस, ब्लॉगिंग तो कम ही हो पाएगी, देखते हैं कितना जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं करती हूँ, बट चांसेस कम ही है ब्लॉगिंग होने के। थोड़ा सा कंटिन्यूटी आया था, फिर अब ब्रेक लग गया, बट द पार्ट ऑफ लाइफ होते रहता है। हर किसी के लाइफ में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं। कॉफी मिला आज जिस लड़की की तबीयत खराब हो गई और स्कूल भी नहीं गए हैं, रोनी मिल्क गिर जाएगा। मिल्क भी है, कॉफी है। ये लो, रोनी अपना और दो मिल्क बिस्किट खा रहे हैं और मैं खा रही हूँ अपना वाटरमेलन। वाटरमेलन मैं डालूंगा। क्या हुआ रोनी तुम्हारी ईयर में? दर्द दर्द, चलो पहले खा लो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीलैंड रोनल। हम लोग अच्छे हैं, आप लोग अच्छे रहे हैं। आज हम बीमार हो चुके हैं, तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। पिछली बार मैं ब्लड टेस्ट हुआ था, मजा है नहीं। पिछले ब्लॉग में आप देखे क्या हाल हो गया था मेरा। अभी क्या हाल हुआ है? अभी क्या हुआ हुँ? अभी तो बस थोड़ा सा ही हाल हुआ है। अभी थोड़ा सा ही हाल हुआ है, थोड़ा बहुत हाल है मुझे। अभी कैसा फील कर रहा? गुड गुड। रानी को घुमाने, जब मोबाइल हम स्टार्ट कर देते हैं तो ठीक हो जाते हैं, जब मोबाइल बंद कर देते हैं तो बीमार हो जाते हैं। बेटा मेडिसिन खाने के बाद आप ठीक हुए हो, ये बोलो। मोबाइल की वजह से आप नहीं ठीक हुए हो, आप मेडिसिन की वजह से ठीक हुए हो। ओके चलो वेट करो, मम्मा भी रेडी हो जाती है, ठीक है? ओके। हम लोग, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज स्कूल भी नहीं जा पाया। आज मॉर्निंग में उठा, पता नहीं इसके कान में क्या हो गया, बहुत पेन, रोते हुए ही उठा है। फिर एक दो घंटे काफ़ी परेशान रहा, फिर उसके बाद फिर सोया। और दिन में तो थोड़ा ठीक था, फिर शाम से इसको फीवर भी आ गया। तो अभी इसको लेके जाना है डॉक्टर के पास कि पता नहीं क्या है, अब कान की पेन की वजह से इसको फीवर है या किस चीज़ की वजह से फीवर है। कैसे हो गया फीवर? पता नहीं, कान में दर्द। अब ऐसे तो बच्चे बता नहीं सकते ना कि कैसा कैसा पेन है। चॉकलेट खाने से हो गया था, तो जब ड्राइंग चैलेंज किए थे हम यहाँ पे दांत पेट किया था, फिर कान दर्द फिर पेट दर्द। तो गाइस फिर चलते हैं डॉक्टर के, डॉक्टर को दिखा देते हैं, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा। क्योंकि बच्चों को रिस्क नहीं देते हैं, क्योंकि बड़े तो बता सकते हैं कि कैसा उनको पेन है, किस टाइप का पेन है, बट बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए कुछ भी होता है तो हम लोग सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। रोहित ऑफिस से आ रहा है, हम लोग इधर से अब जा रहे हैं। डॉक्टर के पास बीमार हो जाते हैं और कहीं नहीं जाना होता था, डॉक्टर के पास ही। दर्द नहीं है, ठीक है। चले डॉक्टर से मिलने, चले डॉक्टर अंकल से। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नीलैंड। अनिल, कैसे हैं आप लोग? और आज का ब्लॉग फिर से दो दिन कह रही हूँ, कल से कंटिन्यू चल रहा है। एक्चुअली कल डॉक्टर के पास से आए तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, फिर खाना वाना खाने में बनाने में टाइम लग गया और रानी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से ब्लॉगिंग नहीं हो पाई। तो कल हम लोग डॉक्टर को दिखा कर आ गए रानी को। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अब पता नहीं क्या रानी, हर एक मंथ में उसको फीवर लग ही जाता है। अभी तो आज ठीक है, डॉक्टर के पास ये स्कूल गया है, अभी मैं उसको देने जा रही हूँ और मेडिसिन वगैरह दे दिया था तो उसको भी सही है। देखिए इसके सारे मेडिसिन आ गए और उसके कान के लिए मेडिसिन आ गया। अभी तो बोल रहा था कि सही है, फीवर भी उसको नहीं आया। तो एक दिन का वो छुट्टी भी हो गई, रामनवमी की छुट्टी भी हो गई, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो स्कूल छूटना नहीं चाहिए और फीवर नहीं था तो भेज दिया। अब देखते हैं रोनी कैसा है, उसकी तबीयत वैसे सही है, मैंने मैम को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो गाइस फिर मिलते हैं। कितनी तेज़ धूप हो गई है, एकदम दोपहर में रोनी की छुट्टी होती है, बहुत तेज़ धूप है।
गर्मी थी, इसीलिए मैं मशीन भी अब शाम को ही ऑन कर रही हूँ। अब ऑलमोस्ट हो गया 14 मिनट्स लेफ्ट। अभी तो मौसम सही किया, दिन में बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज। हेलो गाइस, शाम का टाइम हो गया, बच्चे बाहर बहुत शोर कर रहे हैं और मैं अभी बना रही हूँ इवनिंग का बेस्ट गर्मियों का स्नैक्स। जब समर में आप कितना भी खाइए और एक रिफ्रेशमेंट सा लगता है, मैं दिखाती हूँ मैं बना क्या रही हूँ। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्नैक्स में से एक है, बट बहुत सालों से मैंने खाया नहीं है, तो आज ही बनाते हैं। आप भी देखिए, ये देखिए, ये ऑलमोस्ट अब हो चुका है, गर्मियों के लिए बेस्ट है। यहाँ पे मैंने प्याज और क्या कहते हैं चिली, ये सब काट दिया है। अभी खीरा काटना बाकी है। पूरा कंप्लीट बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा लगता है। आप लोग बनाइए अपने घर पे। और वाले भी सो रहे हैं, अभी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है, अभी स्कूल से आया है तो बहुत गर्मी हो गई थी, अभी सोया है, खाना वाना खा के सो गया है। ये मेरा इवनिंग का स्नैक्स रेडी है, देखिए कितना कलरफुल है। और रॉनी का मिल्क बिस्किट, मिल्क चाय। चलिए रॉनी को उठाते हैं। दे दे अभी तक सोया रॉनी, उठो बेटा, शाम हो गई। इसका मिल्क बिस्किट है, उठता है। और ये मैं इंजॉय, क्योंकि रॉनी नहीं खाते उसको। ये देखिए, उसको पता नहीं नट्स से क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नट्स वाली चीज़ें नहीं खा पाता है, गहरी नींद में सो रहा है। उठ के फिर से सो गया, मुझे लगा उठ गया, तो मैं इसके लिए मिल्क बना के ले आई हूँ। ये लड़का उठा है, खेल कर आया है और कह रहा है मुझे गर्मी लग रही है, कपड़े भी चेंज कर लिया। हाँ, और एसी ऑन कर दिया है। मैं इसको बोल रही हूँ कि अभी रुक जाओ, ठंडी गर्म हो रही है, मगर नहीं, कल रात को एसी ऑन हो, मुझे पता था एक बार ऑन हो जाना, उसके बाद तो ये मानने से रहे। और आने लग होमवर्क करें। यस, मैंने सोचा कि चलो होमवर्क करना है, तभी इसका मूड इतना अच्छा बनाया है। अच्छा तो बनाया, बट कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे ऑर्गन का स्पेलिंग आपने गलत लिखा है। चलिए अभी हम लोग करेंगे, ठीक है? रॉनिल, नाउ आर यू फाइन? यस, मच बेटर, नाइस, ओके। मजा आया था स्कूल में? यस, ठीक है, अब होमवर्क करें। यस, ओके। अपने फ्रेंड्स को हेलो तो कर दो। यस, इधर देखो। यस 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 क्या होता है? तो तुम ही यस बुलवाते हो ना? अच्छा मैं यस बुलवा रहा, मैं तो अभी हेलो बुलवा रही हूँ, हेलो तो बोल नहीं रहे हो। हेलो रॉनिल, हेलो। मजा आ रहा है? हाँ, चलिए मजा करो, अब होमवर्क भी करो। रानी का होमवर्क डन हो गया और मैं रानी का दिखाती हूँ। ये रानी का आर्ट वर्क, इसने खुद बनाया, मतलब थोड़ा बहुत मैंने हेल्प किया है, बट इसने खुद बनाया मोस्टली आईज, ईयर, नोज, है ना रानी? मजा आया बनाकर? टंग, हाँ हाँ हाँ, सेट कर रहे हो। तो रानी का होमवर्क कंप्लीट हो गया, कुछ कुछ मिस्टेक्स थे तो वो सारा कंप्लीट हो गया, अब जाकर सही लग रहा है। अब रानी की छुट्टी, सारा होमवर्क डन, जाओ मज़े करो। अब सारा बैग में रख देती हूँ, मैंने सोचा मैं दिखा भी देती हूँ रानी, इतना अच्छा फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने गाइड किया था बट फर्स्ट टाइम उसने खुद से बनाया, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ, बहुत अच्छा बनाया रानी ने। yes. खाना खा लिया? बहुत थक गया। कैसे थक गया ये बताना जरा। मुझे बहुत पसीना आ गया। जंप कर कर के? यस यस। तो जंप करने से पसीना नहीं आएगा तो क्या आएगा? अरे तुम यस तुम क्यों बोले? हाँ हाँ। अभी क्या बोल रहे थे, दादी को कैसे सिखाओगे 20 डेज को? क्या बोलोगे? 20 दिन माना ऑफिस, 20 दिन में जाना। क्यों 20 डेज क्यों नहीं बोलोगे रानी दादी? 20 डेज क्यों नहीं बोलोगे? 20 डेज क्यों नहीं बोलोगे? इंग्लिश में समझ में नहीं आया, दादी को हिंदी ही पसंद है, ओल्ड को हिंदी में समझ आता है। अच्छा, मगर दादी को आता है 20 का मीनिंग? दादी आएगी तो पूछना 20 मीन्स, वो जानती है। जो 20 बोलते सब, तुमको लगता है कि वो लोग नहीं जानते, वो सब लोग जानते हैं। छोड़ो छोड़ो मम्मा, मुझे अब सोना है, बहुत मुझे पसीना आ चुका, मुझे हवा चाहिए। देखो गाइस, मैं एसी भी मंगवा, सब कुछ जुगाड़, सारा कुछ जुगाड़ एसी ऑन करने के लिए किया जा रहा है। नाउ टाइम टू से बाय प्लीज। पहले तुम जंप क्यों किए बताओ?
अभी तबीयत ठीक नहीं है, ठंडी गर्मी हो रही है, फैन में भी सोएंगे हम लोग। ये कोई मासूम चेहरा बना तो हुआ सिर्फ तुम एसी चलाए करो गाइस के सामने। एक्चुअली हम लोग चार पे कर कर करते हैं तो एसी आवाज करते है, एसी पंखा है। नहीं भाई ऐसी आवाज नहीं करता, तो अभी तेज कर देंगे ना, ब्लॉगिंग के लिए कम किया है। मुझे चाहिए कूलिंग एसी। एक दिन पता था एक दिन ऑन हो जाता नहीं है, तो बेटा अब ये जान बुझ के ब्लॉगिंग में बोल रहे हैं ताकि क्या आपके फ्रेंड्स आके ऑन करेंगे क्या, सिंपैथी गेन सिंपैथी गेन कर रहे हैं। मैं ही हूं गाइस, क्या मैं ही हूं गाइस? अच्छा मैं ही गाइस। ओके तो गाइस के सामने सिंपैथी गेन करता है। थोड़ा देर पहले देख कैसे कह रहा था, अब देखिए इधर इधर और इधर आओ। पापा और मैं गाइस हूं, ठीक है? ठीक है। और तुम ब्लॉगिंग और तुम जो बोलते हो तुम ब्लॉगिंग भी करोगे या खुद से बोलोगे भी? ओके आई एम अ ब्लॉगर। यस ओके नाउ टाइम टू से बाय। जल्दी मचाए इसको रोनिल भाई, अब कुछ भी बात नहीं चलेगी गाइस बाय। रोनिल कल पीटीएम मीटिंग भी है न्यू स्कूल में, फर्स्ट पीटीएम मीटिंग। हां कल है गाइस तो बाय। अच्छा बुरा सब बताया जाएगा। रोनिल आर यू एक्साइटेड? न्यू स्कूल में आपका एक्साइटेड है। चलो बाय रानिल बाय।